स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम बात करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूजेस ऑफ मेटल्स, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ आयरन। आयरन बहुत कॉमन मेटल है, ये यूज किया जाता है फूड और मेडिसिन में। हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल एटम है वो आयरन है। ये मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आयरन से टैबलेट्स बनती हैं, आयरन सल्फेट, आयरन फ्यूमरेट को मिलाकर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट यूज की बात करें तो इससे यूटेंसिल्स बनते हैं। हमें पता है घर पे बहुत सारे बर्तन हैं जो आयरन से मिलकर बने हैं, और ये ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे पार्ट्स बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट मेटल की हम बात करेंगे कॉपर। कॉपर हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इससे फ्लेक्सिबल और सेमी फ्लेक्सिबल वायर्स बनती हैं। जो हमारी डोमेस्टिक वाटर पाइप्स होती हैं, जो घर में यूज की जाती हैं, उन वाटर पाइप्स भी कॉपर की ही बनती हैं। जो हमारी डिस्टिलेशन वेसल्स हैं वो कॉपर से मिलकर बनती हैं। और इसके यूजेस की बात करें हम तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। कॉपर से बहुत सारे अलॉयज बनते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन अलॉय है वो है ब्रास और ब्रॉन्ज, और ये बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है, जिसके कारण ये बॉयलर्स बनाने के भी काम आता है। तो नेक्स्ट मेटल की हम बात करते हैं, और वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, जो कि 8.7% पाया जाता है। इसका इस्तेमाल एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस में, यानी जो एरोप्लेन्स और स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कार है, ये जो ऑटोमोबाइल्स है उनमें यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेट रिड्यूस करने के लिए काम आता है, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन ज्यादा ना हो सके। ये हाउसहोल्ड आइटम्स जैसे यूटेंसिल, यानी जो बर्तन है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए यूटेंसिल्स बनाने के भी काम आता है। और एल्युमिनियम के यूजेस की हम बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो विंडोज, रूफ्स, डोर्स बनाने के काम आता है। जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं वो बनाने के काम आता है। इससे बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स बनते हैं। जो हमारे बीवरेजेस कैंस हैं, यानी जो कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस आते हैं, प्रेशर कुकर्स बनते हैं इनसे। नेक्स्ट मेटल की हम बात करें तो वो है जिंक। जिंक जो है वो गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन में इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये कोरोजन में किया था कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जिंक की लेयर करवा दी जाती है आयरन के ऊपर, जो कि आयरन को रस्टिंग से बचाता है। इसका इस्तेमाल जो है ये डाई कास्टिंग में किया जाता है, जिसमें मोल्टन मेटल को डालकर और एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड की जाती है। जिंक का इस्तेमाल बहुत सारे अलॉयज बनाने में किया जाता है, जिसमें कॉमन जो है दैट इज ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट अगर हम इसके और यूजेस की बात करें तो जो जिंक सल्फाइड है ये फोटोग्राफिक प्लेट में इस्तेमाल की जाती है, और जिंक जो है ये बहुत सारी लिविंग थिंग्स का एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट मेटल की हम बात करें तो सिल्वर के यूजेस की बात करेंगे। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्वेलरीज बनती हैं, सिल्वर वेयर्स बनते हैं। इसका इस्तेमाल फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने में किया जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है, और इसकी जो फॉइल है उसका इस्तेमाल स्वीट्स के ऊपर वर्क की फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट मेटल है हमारे पास गोल्ड, और गोल्ड हमें पता है मोस्ट मेलियबल एंड डक्टाइल मेटल है। इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट्री, यानी जो दांत है उसकी जो फिलिंग है, कैविटी की फिलिंग में किया जाता है, उसके जो क्राउन्स है उसकी फिलिंग में किया जाता है। इससे बहुत सारे मेडल्स और स्टैचूज बनते हैं, और सभी जानते हैं कि इससे बहुत ज्यादा ज्वेलरीज बनती है। क्यों? क्योंकि ये एक नोबल मेटल है। नेक्स्ट मेटल की हम बात करें तो प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम से भी हम बात करें तो ज्वेलरीज, जैसे कि यहां मैंने मेंशन कर रखा है, ज्वेलरी बनाने के काम आता है, डेंटल वर्क में काम आता है, सेम फिलिंग के तौर पर। और प्लैटिनम जो है एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन कर देता है जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन के यूजेस की। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है एयर में 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में किया जाता है, और ये जो अमोनिया है ये एग्रीकल्चर फील्ड में, यानी फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है।
नेक्स्ट हम नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है एयर में। हम सभी जानते हैं रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के कारण ही पॉसिबल है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए किया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और स्टील भी आता है। नेक्स्ट हम यूजेस की बात करेंगे नोबल गैसेस की, जिसमें मैंने मेंशन किया है यहाँ आर्गन एंड जिनोन। आर्गन जो है मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है ग्लोइंग साइंस के लिए, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक रिसर्चेज में, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का एक और यूज है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी जो वेदर टेलीकास्ट के लिए किया जाता है, और बैलून्स में हीलियम को फिल करके ऊपर बैलून्स भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे आयोडीन के यूजेस की। आयोडीन का यूज किया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए, जिसमें हम आयोडीन को मिक्स करते हैं इथेनॉल के साथ। ये एक एंटीसेप्टिक है जो वुंड्स को स्टरलाइज कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ गॉइटर, गॉइटर जो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आयोडीन जो है हेल्पफुल साबित होता है। आयोडीन जो है इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए और बहुत सारी डाइज बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट नॉन मेटल की हम बात करेंगे वो है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल मैच बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी माचिस। इसका इस्तेमाल डाइज बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं H2SO4, उसको बनाने के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का एक और इस्तेमाल आप सभी ने पढ़ा है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, जिससे कि रबड़ जो है वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम नॉन मेटल की बात करेंगे लास्ट, यूजेस ऑफ कार्बन। हमें पता है कि कार्बन जो है बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो अगर डायमंड की हम बात करते हैं तो डायमंड जो है ज्वेलरी की फॉर्म में यूज किया जाता है। डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, जिसके कारण इससे कटिंग टूल्स बनते हैं और ग्राइंडिंग टूल्स बनते हैं। और ग्रेफाइट की बात अगर हम कर रहे हैं तो ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी नेचर का होता है, जिसके कारण इसे लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी पेंसिल की लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, और क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, न्यू व्यूवर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।